गुड मॉर्निंग क्लास। आज जो है, आज इस वीडियो में हम करेंगे जिन साइकोलॉजी क्या है। ठीक है, साइकोलॉजी जैसे ये नाम है, इस नाम में हमें पता चला कि ये टू पार्ट से बना हुआ है। ठीक है, साइको और लॉगस से। साइकोलॉजी ये आपका टू पार्ट से बना हुआ है। टू पार्ट कौन कौन से हैं? टू पार्ट हैं साइकी, साइकी और जो लॉगस, साइकी प्लस लॉगस से बना हुआ है ये। साइकी का मतलब क्या होता है? आत्मा। इसका मीनिंग होता है आत्मा। ये क्या है? सोल। साइकी का मीनिंग होता है आत्मा। ठीक है, लोगस का मीनिंग क्या होता है? स्टडी। लोगस क्या होता है? स्टडी। तो इस तरह से आपके पास में साइकोलॉजी का मीनिंग क्या होता है? स्टडी ऑफ सोल, आत्मा का अध्ययन। इसका मीनिंग क्या होता है? स्टडी ऑफ सोल, आत्मा का अध्ययन। ठीक है, ये वाली परिभाषा किसने दी थी? ये वाली परिभाषा दी थी एरिस्टोटल। ये परिभाषा किसने दी थी? एरिस्टोटल ने दी थी। और कौन था इसके साथ? प्लूटो। एरिस्टोटल और जो प्लूटो ने कहा था कि साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी आत्मा का अध्ययन है। अब ध्यान दीजिए दोबारा से, आपको बता दिया गया कि साइकोलॉजी आत्मा का अध्ययन है। ठीक है, 16वीं शताब्दी में ये बात बताई गई थी। ठीक है, 16वीं शताब्दी में पेपर के अंदर क्वेश्चन इस टाइप से पूछ लिया जाता है। ठीक है, आत्मा का अध्ययन परिभाषा कौन सी शताब्दी में दी गई थी? 16वीं शताब्दी में दी गई थी। अब एक पॉइंट ये आया, क्या आप किसी की आत्मा का अध्ययन वगैरह कर सकते हो? किसी की आत्मा का अध्ययन आप जो है कैसे करोगे? तो आत्मा का अध्ययन कभी भी जो नहीं किया जा सकता। आत्मा का अध्ययन नहीं किया जा सकता तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर इसकी एक और परिभाषा दे दी गई कि भाई आप क्या काम कीजिए, आप किसी के मन का अध्ययन कर लीजिए। आप किसी के मन का अध्ययन कर लीजिए, माइंड का अध्ययन कर लीजिए। ठीक है, मन का अध्ययन कर लीजिए, माइंड का अध्ययन कर लीजिए, उसको बोल देंगे क्या? साइकोलॉजी। किसी के मन का अध्ययन कर लीजिए, माइंड की स्टडी कर लीजिए। ठीक है, माइंड की स्टडी कर लीजिए आप। ये बात किसने बोली? ये बात बोली पोनकोनोजी ने। ये किसने कहा? पोनकोनोजी ने कहा। और ये बात किसने बोली? पेस्टोलॉजी ने बोली। पोनकोलॉजी और पेस्टोलॉजी ने कहा कि आप क्या करें, आप किसी के मन का अध्ययन कर लीजिए। ठीक है, मन का अध्ययन करना भी क्या है आपके पास? साइकोलॉजी। ये वाली परिभाषा कब दी गई? ये वाली परिभाषा दी गई 17वीं शताब्दी में। ठीक है, 17वीं शताब्दी में कहा गया कि साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी है स्टडी ऑफ माइंड, किसी के मन का अध्ययन करना। 17वीं शताब्दी में कहा गया था कि जी साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी स्टडी ऑफ माइंड है। ठीक है, मन का अध्ययन करना है। अब जैसे कि हमने सबसे पहले लिखा आत्मा का अध्ययन, हम किसी की आत्मा का अध्ययन नहीं कर सकते। अब बात आई जी मन का अध्ययन, आप किसी के मन का अध्ययन कैसे करोगे? किसी के मन का अध्ययन कैसे कर पाओगे आप? फिर क्या कहा गया? एक और वैज्ञानिक आया, उसने क्या कहा? उसने कहा कि आप उसकी कॉन्शियसनेस का अध्ययन कर लीजिए। तीसरी परिभाषा आई थी आपके पास क्या? कि आप उसकी कॉन्शियसनेस का अध्ययन कर लीजिए। कॉन्शियसनेस होता है चेतना। मतलब आपकी किस बात पर कौन कितना कॉन्शियस है, आपकी किस बात पर कौन कितना कॉन्शियस है, इस चीज़ का अध्ययन कर लीजिए आप। आपकी किस बात पर कौन कितना जो सचेत है, इसका अध्ययन कर लो। तो ये चेतना का अध्ययन भी आपके पास क्या कहलाता है जी? साइकोलॉजी। चेतना का अध्ययन क्या है? साइकोलॉजी। ये बात किसने बोली थी? ये बात बोली थी वुंड ने और जेम्स ने। वुंड और जेम्स ने ऐसा कहा था कि साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी है जी चेतना का अध्ययन। चेतना बताता हूँ। इसने बताया कि जो वुंड और जो जेम्स ने बताया कि साइकोलॉजी चेतना का अध्ययन है। कौन सी शताब्दी? 17वीं और 18वीं शताब्दी। 17वीं और 18वीं शताब्दी में साइकोलॉजी की परिभाषा कौन सी मानी गई कि ये क्या है आपके पास? या आपके पास चेतना का अध्ययन है। ठीक है, चेतना का मतलब क्या था यहाँ पे? मान लीजिए मैंने कोई भी टॉपिक आपको पढ़ाना है, कुछ भी पढ़ाना है आपको। मान लीजिए मैंने आपको पढ़ाया एक टॉपिक है आपके पास, मान लीजिए ह्यूमन ब्लड। मैंने आपको ह्यूमन ब्लड पढ़ाया। ठीक है, ह्यूमन ब्लड पढ़ाते टाइम मैंने क्या किया? मैंने बोला कि किसी का ब्लड ग्रुप ओ है, किसी का बी है, किसी का ए है, किसी का ए बी है। ठीक है, ब्लड ग्रुप ये होता है। तो जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, इन लोगों के अंदर बीमारियां होने के चांसेस मैक्सिमम रहते हैं। जिनका ब्लड ग्रुप ओ है, इनमें बीमारियां होने के चांसेस मैक्सिमम रहते हैं। तो मेरी इस बात को कौन बच्चा कितने ध्यान से सुन रहा है?
मतलब जब मैंने ये बात बोल ली कि जिसका ब्लड ग्रुप ओ है उनमें बीमारियों के चांसेस मैक्सिमम रहते हैं, तो जिसका ब्लड ग्रुप ओ है वो क्या करेगा, इस बात को ध्यान से सुनेगा। ये बात बोल के मैं क्या काम करूँगा, बच्चों की ओर ध्यान देता हूँ, उनमें से कौन सा बच्चा इस बात को ध्यान से सुन रहा है। फिर मैं कहता हूँ कि जिन माइग्रेन, थायराइड, सर्वाइकल, बैक पेन, ठीक है, शुगर, हार्ट प्रॉब्लम, बीपी प्रॉब्लम, इस तरह की बीमारियों के अगर पेशेंट की बात की जाए तो 100 में से 80 लोग वो होंगे जिनके अंदर ब्लड ग्रुप ओ होगा। जब मैं इस बात को बोलूँगा तो एक आध बच्चे के माइंड में क्वेश्चन पूछने की जिज्ञासा होगी। जिसका ब्लड ग्रुप ओ है वो बच्चा इस चीज़ को पूर्ण रूप से जानने की कोशिश करेगा। तो मीन्स क्या है कि जब मैंने कुछ भी कहा तो मेरी किस बात पर किस बच्चे ने कितना ध्यान लगाया, वो क्या है, वो है उस बच्चे की चेतना। उसका अध्ययन कर लीजिए तो वो क्या है जी, आपके पास साइकोलॉजी है, किसी बच्चे की चेतना का अध्ययन करना। ठीक है, 17वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी, इस, हाँ बोलिए, ठीक है, कॉन्शियसनेस या फिर चेतना का अध्ययन क्या है जी आपके पास, साइकोलॉजी। किसने कहा था, वुंट ने कहा था, जेम्स ने कहा था, 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी। एकाग्रता से रिलेशन है चेतना। हाँ, एकाग्रता से आप कह सकते हो, एकाग्रता से कह सकते हो, ठीक है, चेतना का अध्ययन। इसके बाद इसकी फोर्थ डेफिनेशन दी गई। अब एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था स्किनर, एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था स्किनर, स्किनर, एक और नाम आया गिलफर्ड, एक और नाम आया वाटसन। ध्यान दीजिए, ये क्या बोल रहे, ये बोल रहे कि जी ना तो हम किसी की आत्मा का अध्ययन कर सकते, हम किसी की आत्मा का अध्ययन नहीं कर सकते, हमें किसी के मन का भी कुछ नहीं पता, इंसान के मन में क्या है हम इसको भी नहीं जान सकते, आत्मा का अध्ययन भी नहीं कर सकते, मन के बारे में भी हम नहीं जान सकते। रही बात चेतना की, तो एक आध बच्चा क्लास में ऐसा भी होता है जो टीचर की बात में हाँ में हाँ तो मिलाता रहेगा लेकिन उसके माइंड में कुछ और भी चला हुआ है। कोई मेरी बात पे हाँ में हाँ तो मिलाता रहेगा, हाँ जी हाँ बिल्कुल, लेकिन उसके माइंड में कुछ और भी चला हुआ है। तो ये कहता है कि चेतना का अध्ययन भी अगर कर लिया जाए तो इंसान की साइकोलॉजी पूर्ण रूप से पता नहीं चलेगी। अगर आप चेतना का भी अध्ययन कर लोगे तब भी साइकोलॉजी पूर्ण रूप से पता आपको नहीं चलेगी। फिर ये क्या कहता है कि आप ऐसा कीजिए, उसके व्यवहार का अध्ययन कर लीजिए, आप किसी के व्यवहार का अध्ययन कर लीजिए, बिहेवियर का अध्ययन कर लीजिए। बिहेवियर व्यवहार या फिर बिहेवियर किसको कहेंगे, बिहेवियर कहेंगे प्रदर्शन को, आपके द्वारा किया जाने वाला प्रदर्शन आपका क्या कहलाएगा, बिहेवियर। किसी भी बात पर आपके द्वारा किया जाने वाला प्रदर्शन आपका क्या कहलाता है, बिहेवियर। तो जो बच्चा जिस टाइप से बिहेव करता है, जो बच्चा जिस टाइप से प्रदर्शन करता है, इस बिहेवियर का अध्ययन कर लो, इस बिहेवियर की स्टडी कर लो, इसको क्या कहते हैं, साइकोलॉजी कहते हैं। इस बिहेवियर की स्टडी कर लीजिए, ये आपके पास क्या चीज़ है जी, साइकोलॉजी। ये वाली परिभाषा दी गई कब, 20वीं शताब्दी में। इसको लिखना चाहते हो तो इसको लिख लीजिए, 20वीं शताब्दी, स्किनर, गिलफर्ड और वाटसन, इन्होंने क्या कहा था, स्टडी ऑफ बिहेवियर इज साइकोलॉजी, 20वीं शताब्दी, स्टडी ऑफ बिहेवियर। ठीक है, किस किसने बोला, स्किनर ने, गिलफर्ड ने और किसने, वाटसन ने, ये बोले कि जो व्यवहार का अध्ययन करना क्या है, साइकोलॉजी। ठीक है, अब इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, आपके पास पेपर के अंदर क्वेश्चन बना देता है कि जिन साइकोलॉजी की परिभाषा को एक जो क्रॉनिकल ऑर्डर में लगाइए, सिस्टमेटिक लगाइए। ठीक है, साइकोलॉजी की परिभाषा सबसे पहले क्या थी, फिर क्या थी, फिर क्या थी, इस टाइप से इस परिभाषा को क्रॉनिकल ऑर्डर में लगाइए। तो फिर हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले जो मतलब सबसे पहले क्या है, आत्मा का अध्ययन, उसके बाद क्या है, मन का अध्ययन, उसके बाद क्या है, उसके बाद चेतना का अध्ययन और उसके बाद बिहेवियर का अध्ययन। अब बिहेवियर किसको कहते हैं, बिहेवियर कहते हैं कि आपके द्वारा किया जाने वाला प्रदर्शन, आप प्रदर्शन कैसा कर रहे हो वही आपका बिहेवियर है। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन बनाता है कि इनमें से कौन सी परिभाषा का यूज करते हुए हम किसी इंसान की साइकोलॉजी पहचान सकते हैं, इनमें से मैं कौन सी परिभाषा का यूज करूँ कि मुझे आपके बारे में साइकोलॉजी पता चल जाए, आपकी साइकोलॉजी कैसे पता चलेगी। ठीक है, व्यवहार से मैं मान लेता हूँ कि बिहेवियर से आपके बारे में मुझे पता चल जाएगा, लेकिन स्टूडेंट की एक आदत होती है, हमेशा स्टूडेंट की आदत होती है कि वो अपने आप को क्लासरूम में बुरा तो कभी प्रदर्शित करेगा ही नहीं, वो तो हमेशा अच्छा ही प्रदर्शित करेगा। कौन अपना प्रदर्शन बुरा करना चाहेगा, स्टूडेंट हो या कोई भी हो, कौन इंसान अपना प्रदर्शन महफिल के अंदर बुरा करना चाहेगा,
वो है कैसा वो तो एक अलग बात है। मान लीजिए मैं बिहेवियर की बात करता हूँ, एक टीचर क्लास में खड़ा है उसके सामने और उसके सामने स्टूडेंट्स बैठे हैं, सारे स्टूडेंट चुपचाप बैठे हैं, ठीक है, काम कर रहे हैं, लिखने लग रहे हैं, सिंसियरली बैठे हैं, तो सारे के सारे अच्छे हैं। जब टीचर क्लास से बाहर चला जाता है उस टाइम इनका बिहेवियर बदल जाता है। आप चार पाँच दस जितने भी हो, आपके साथ सीन क्या है, आप चार पांच बैठे हो, आप आपस में पता नहीं कौन कौन सी बातें करोगे। क्लास में टीचर है, आप कैसी बातें करोगे आपको पता है, टीचर नहीं है तब आपकी बातें कैसी होंगी आपको पता है, एक आध विद्यार्थी और आ जाए तब आपकी बातें कैसी होंगी आपको पता है, जब आप अपने मकान में चले जाते हो, घर पे चले जाते हो, तब आपका बिहेवियर कैसा होता है आपको पता है। इंसान का बिहेवियर तो पॉइंट टू पॉइंट चेंज होता रहता है, तो किसी के बिहेवियर का अध्ययन करके आप साइकोलॉजी का पता कैसे लगाओगे। इंसान का बिहेवियर ऐसा होता है जो मतलब हर कदम पर चेंज होता है, इंसान का बिहेवियर हर कदम पे चेंज होता है। तो जब किसी का बिहेवियर हर कदम पे चेंज होता है तो मैं एक बार के बिहेवियर का अध्ययन करके उसकी साइकोलॉजी का पता कैसे लगाऊं। तो मीन्स क्या था, ना तो हम आत्मा का अध्ययन कर सकते, देख नहीं सकते, इसको आजमा नहीं सकते, किसी के मन में क्या है मुझे कुछ पता नहीं, कौन कितना ध्यान दे रहा है इसका भी कुछ नहीं कह सकते, और किसी का बिहेवियर भी नहीं पहचाना जा सकता। आप किसी का बिहेवियर 100% नहीं पहचान सकते। दो मित्र हैं, दो हैं फ्रेंड्स, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, बेस्ट फ्रेंड हैं, दो फ्रेंड हैं बहुत अच्छे हैं, ये इसके बारे में कितना जानता है, ये मित्र इसके बारे में कितना जानता है, ये सिर्फ इतना जानता है जितना समय इसके साथ बिताया या जो कुछ इसने बता रखा है, इससे ज्यादा नहीं जानता। आप किसी को भी अपना बेस्ट फ्रेंड कह लीजिए कोई बात नहीं, लेकिन आप उसके बारे में कितना जानते हो, सिर्फ इतना ही जानते हो जितना उसने बताया या फिर जितना समय उसके साथ बिताया। ऐसे भी तो इंसान बहुत देखे थे कि जिसके बारे में आप कुछ भी होने के बाद एक बात कहते हो, अच्छा उसने ऐसा कर दिया, वो तो ऐसा लगता ही नहीं था, वो तो बिल्कुल भी नहीं लगता था, उसका तो मुझे बिल्कुल भी जो है यकीन नहीं हुआ कि उसने ऐसा कर दिया, ये बात वो बात। तो ये कहता है कि साइकोलॉजी की कौन सी परिभाषा को फॉलो करते हुए किसी इंसान की साइकोलॉजी पहचानी जा सकती है, तो आपके पास आंसर आता है कि कोई भी परिभाषा नहीं है। आप किसी भी परिभाषा का यूज करते हुए किसी इंसान की साइकोलॉजी नहीं पहचान सकते। इंसान की साइकोलॉजी टाइम टू टाइम चेंज होती चली जाती है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बिहेवियर बदलेगा, अकॉर्डिंग टू कंडीशन बिहेवियर बदलेगा। कॉन्सियसनेस बच्चे के मन की बात है, पता नहीं वो किस बात को ध्यान से सुनेगा, किस बात को ध्यान से नहीं सुनेगा, जब वो मेरी बात को ध्यान से सुन रहा है उस टाइम भी उसके दिमाग में कुछ और भी हो सकता है। तो आप इनमें से किसी परिभाषा का यूज करते हुए किसी की साइकोलॉजी ढंग से नहीं पहचान सकते। लिख लीजिए प्लीज, किसी भी परिभाषा के द्वारा किसी व्यक्ति की साइकोलॉजी नहीं पहचानी जा सकती, किसी भी परिभाषा के द्वारा किसी व्यक्ति की साइकोलॉजी नहीं पहचानी जा सकती। किसी भी डेफिनेशन के द्वारा किसी विद्यार्थी की साइकोलॉजी नहीं पहचानी जा सकती। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कि एक टीचर जो है उसका क्लासरूम के अंदर सबसे पहला काम क्या होगा, एक टीचर का क्लासरूम के अंदर सबसे पहला काम क्या होगा, इस चीज़ को हम करेंगे जी। कौन सी वीडियो? नेक्स्ट वीडियो में। तो ध्यान दीजिए।